वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तिरछी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। हे तिरछी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही भाई और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या और धन भी तुम ही हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। देव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही भाई और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या और धन भी तुम ही हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप शेष नाग पर लेटे श्री विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं, आकाश की तरह अलिप्त और बादल की तरह सावले हैं। कमल के समान आंखें जिनकी, वही सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं। इस संसार के सब भय का नाश करने वाले सब लोकों के स्वामी श्री विष्णु को मेरा नमस्कार। स्वरूप शेष नाग पर लेटे श्री विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं, आकाश की तरह अलिप्त और बादल की तरह सावले हैं। कमल के समान आंखें जिनकी, वही सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं। इस संसार के सब भय का नाश करने वाले सब लोकों के स्वामी श्री विष्णु को मेरा नमस्कार। सफेद वस्त्र पहने चंद्रसी शीतलकाया चार भुजाओं वाले प्रसन्न मुख श्री नारायण स्वरूप पर हम ध्यान करें, जिससे हमारे सारे विघ्न दूर हो जाए।
वस्त्र पहने, चंद्रसी शीतलकाया, चार भुजाओं वाले प्रसन्न मुख श्री नारायण स्वरूप पर हम ध्यान करें, जिससे हमारे सारे विघ्न दूर हो जाए। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, यहाँ तक कि परमात्मा परब्रह्म ही गुरु है। ऐसे मेरे महान गुरु को मेरा नमस्कार। केवल स्मरण करने पर हमारी बुद्धि को बल, हमारे धैर्य को यश मिलता है। महाबली का स्मरण हमें निर्भय व रोगों से मुक्त करता है और हमें अजय एवं हमारी वाणी को तेजस्वी बनाता है। Oh,
हनुमान का केवल स्मरण करने पर हमारी बुद्धि को बल, हमारे धैर्य को यश मिलता है। महाबली का स्मरण हमें निर्भय व रोगों से मुक्त करता है और हमें अजय एवं हमारी वाणी को तेजस्वी बनाता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम बातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे मनमोहक, वायुवेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान, तुम्हें प्रणाम। हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, हे श्री रामदूत, आपके शरणागत है हम। मनमोहक, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ श्री हनुमान, तुम्हें प्रणाम। हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, हे श्री रामदूत, आपके शरणागत है हम। जो कुंद चंद्र या बर्फ की माला के समान सफेद रंग की है, जिसके हाथ वीणा के सुंदर दंड से सुशोभित है, जो सफेद कमल पर बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव हमेशा जिसकी स्तुति करते हैं, सारे अज्ञान और जड़ता का जो नाश करने वाली है, वही देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे। Yeah.
या बर्फ की माला के समान सफेद रंग की है, जिसके हाथ वीणा के सुंदर दंड से सुशोभित है, जो सफेद कमल पर बैठी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव हमेशा जिसकी स्तुति करते हैं। सारे अज्ञान और जड़ता का जो नाश करने वाली है, वही देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्वि ईश्वर, हम दोनों गुरु शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का उपयोग करें, हम दोनों एक साथ कर्म करें, हमारी विद्या तेजस्वी हो, हम एक दूसरे का द्वेष ना करें। ओम शांति 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 ही। की रक्षा करें, हम दोनों का उपयोग करें, हम दोनों एक साथ कर्म करें, हमारी विद्या तेजस्वी हो, हम एक दूसरे का द्वेष ना करें। ओम शांति 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 ही। सबसे निर्मल रामचंद्र को नमन करता हूँ, जिन्होंने सदैव अच्छे कर्म किए हैं। उस रघुकुल के नाथ और माता सीता के पति श्री राम को मेरा वंदन।
उस सबसे निर्मल रामचंद्र को नमन करता हूँ जिन्होंने सदैव अच्छे कर्म किए हैं। उस रघुकुल के नाथ और माता सीता के पति श्री राम को मेरा वंदन है।